प्रयागराज में आज से कुंभ की शुरुआत हो गई है और इस समय हम संगम में मौजूद हैं और बोट से पूरे जो कुंभ है उसका जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार स्नान चल रहा है, सुबह से ही हजारों लोग देश और दुनिया भर से लोग आए हैं यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। और चूंकि आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति में दान पुण्य का काफ़ी महत्व होता है, इसलिए दान पुण्य भी यहाँ लोग कर रहे हैं। लोग चिड़ियाओं को भी दाना दे रहे हैं, यहाँ पर कई पक्षी आप देख सकते हैं कि लोग बोट से उनको दाना दे रहे हैं। कई लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, उनसे भी जानते हैं। आप कहाँ से आए? कानपुर से आए। क्या लगा यहाँ की आज जो व्यवस्था देखते हैं? व्यवस्था देखते ये बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी और योगी जी के राज में कि इलाहाबाद का बहुत अच्छा विकास हुआ है और जो सुंदरता यहाँ की है देखने लायक है। आप बताइए भैया। गोरखपुर से आए हुए हैं और हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे यहाँ की व्यवस्था हर तरीके से बहुत ही अच्छी है। जिस तरह से शहर को सजाया गया है, पूरे प्रयागराज में कई जगह लाइटिंग्स लगाई गई हैं, वॉल पेंटिंग्स लगाई गई हैं, तरह तरह के और डेकोरेशन किए गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? योगी जी ने एक नंबर का काम किया, बहुत गजब का। और हमारा रिश्ते यही है कि उनके एक नंबर काम है, प्रयागराज एकदम चमका के रख दिया। आप बताइए भाई साहब। हम दिल्ली से आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए हैं यहाँ पे, लेकिन व्यवस्था यहाँ का बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर काफ़ी खुश हैं और अभी हजारों लोग यहाँ पर संगम घाट पर मौजूद हैं, स्नान लगातार चल रहा है, अखाड़े भी यहाँ पर आके स्नान कर रहे हैं, साधु संतों में काफ़ी उत्साह है। और जिस तरह से पूरे शहर को सजाया गया है, वॉल पेंटिंग्स लगाई गई है, तरह तरह की और सजावट हुई है, लाइटिंग्स हुई है, तो इस बार कुंभ में कुछ नया देखने को मिला है। और अभी थोड़ी देर पहले हेलीकॉप्टर से लोगों पर पुष्प वर्षा भी की गई थी और लोग काफ़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत कर रहे थे।